वो आज भी इसी इस्लाम में दहशतगर्दी फैला रहे हैं। वो लोग आज भी इस्लाम में दहशतगर्दी फैला रहे हैं, इंसान को कत्ल कर रहे हैं। कि जब अल्लाह ने आदम को खल्क किया तो फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह तूने क्या कर दिया, अगर तू इन्हें दुनिया में भेजेगा तो तुझे मालूम नहीं। फरिश्ते कह रहे हैं ये दुनिया में खूनरेजी होगी, तो अल्लाह ने कहा है फरिश्तों खामोश हो जाओ, तुमको सिर्फ इतना मालूम है जितना मैंने तुम्हें बताया है, लेकिन ये तुमसे ज्यादा जानता है। ये सारी कायनात का हम नबी है। जब आदम दुनिया में आ गए, हाबिल ने काबिल को कत्ल कर दिया। अब जो भी इंसान एक दूसरे इंसान को कत्ल करेगा, समझ लो काबिल की औलाद से है। रूह पड़े मोहम्मद वाले। आज हम इस फर्श अज़ा पर आते हैं, मातम करते हैं, जहरा के लाल को पुरस्कार देते हैं। हमारा इस फर्श अज़ा पर आने का मकसद क्या है, यही बात हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम काले कपड़े पहनकर मस्जिद में आ जाते हैं, मुहर्रम शुरू होता है चूड़ियां तोड़ देते हैं। सिर्फ काले कपड़े पहनकर मस्जिद में आना या अपनी चूड़ियां तोड़ देना ये गम नहीं है। गम कहते किसे हैं, फर्श अज़ा कहते किसे हैं, मेन मकसद हमें ये समझना है। हर इंसान जानता है कि हम फर्श अज़ा पर आते हैं जहरा के लाल को पुरस्कार देने के लिए, ये बात एकदम वाज़ह है, इसमें कोई शक नहीं है, कहीं से कहीं तक भी शक की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन असल मकसद क्या है, हजार मजलिस में मैंने यही लफ्ज कहा कि आपस में इत्तेहाद बरपा करें, यही फर्श अज़ा का मकसद है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला में, जब अली अकबर भी शहीद हो गए, कासिम भी शहीद हो गए, उनके भाई अब्बास भी शहीद हो गए, पूरा घर हुसैन का उजड़ गया, तब भी जालिमों से कह रहे हैं अब भी तुम मुझसे आके माफी मांग लो, अब भी मेरी बैत कर लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। देखिए मेरे मजदूर इमाम का सब्र, अगर आज हम सब्र न करें, अगर आज हमें कोई मार दे तो हम छूटते उसे गाली देते हैं, मारते हैं, बदला लेते हैं। क्या हमारे इमाम ने करबला के मैदान में हमें यही सिखाया था? आज हम अली अली करते हैं, अली अली करने कोई बुरी बात नहीं है, जबकि हमारे रसूल अल्लाह ने भी अली मत कहा है। अली अली करना चाहिए लेकिन मारिफत के साथ। फर्श अज़ा पर आओ लेकिन मारिफत के साथ। बहुत अच्छा बेटे, एक आलिम दीन ने मैसूर में एक मजलिस पढ़ी, उन्होंने पढ़ा कि फर्श अज़ा पर सब होते हैं लेकिन शहजादी हर किसी के आंसू कबूल नहीं। भाई हम भी इंसान हैं, जो हमने जुमला सुना ताज्जुब में पड़ गए, कैसे हो सकता है। भाई हमने भी ये सुना है कि शहजादी आती है सबके आंसू अपने रुमाल में लेकर जाती हैं, आज इमाम कौन सी बात पढ़ रहे हैं, कहां से रिवायत लेकर आए, हैरत में पड़ गए कि मौलाना ने क्या कह दिया। अब जब उन्होंने आगे जुमला कहा, सुने गौर से, उन्होंने जुमला कहा कि शहजादी उसी के आंसू कबूल करती है जो मारिफत के साथ हो। हर किसी के आंसू शहजादी कबूल नहीं करती। गम मनाने के लिए पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया पड़ी है गम हुसैन के अमला रही है, जगह जगह से हुबा हुसैन अब्बा हुसैन एक जगह आ रही है, लेकिन इस फर्श अज़ा से उठने के बाद कहीं भी तब्दीली पैदा नहीं हो रही। मेरे कुल हजरा जानते हैं, इमाम हुसैन सलाम ने कयाम क्यों किया, कयाम करने का उनका असल मकसद क्या था, यही कि हम आज सड़कों पर खड़े हुए गालियां दें।
भाई हम तो हुसैन के चाहने वाले हैं, हम तो उस अली के मानने वाले हैं जिसकी पूरी जिंदगी इबादत में खुदा में गुजारी है। लेकिन आज हम हैं मस्जिद दूर भाग रहे हैं, मुसल्लम दूर भाग रहे हैं, दीन नाम की कोई चीज हमारे पास बची ही नहीं है। आज लोग सवाल करते हैं कि भाई मुहर्रम में शुक्र सिद्धा करना कैसा है, मुसावा करना कैसा है। मैं उनसे अर्ज करता हूं कि भाई ये अपने अकीदे की बात है। शुक्र का सजदा करना गुनाह हो गया, मुहर्रम में गुनाह, मुहर्रम में दुआ मांगना गुनाह हो गया, लेकिन हंसना गुनाह नहीं हुआ। अरे बाप रे बाप, अरे क्या बात है, मांग रहे हैं तो गुनाह है, शुक्र का सजदा कर रहे हैं तो गुनाह है, नमाज के बाद मुसावा कर रहे हैं तो गुनाह है, लेकिन हंसना गुनाह नहीं है। वाह वाह, एक दूसरे का मुहर्रम में मजाक उड़ाना गुनाह नहीं है। क्या यही हमें सिखाया गया है? मैं अर्ज कर रहा हूं अपने छोटे भाइयों के लिए, साथ में अपनी भी सलाह कर रहा हूं, मैं कोई आलिम दीन नहीं हूं, जो शहजादी मुझे अता कर देती है वो आपके सामने पेश कर देता हूं। ये बात मैंने पहले कह दी कि मैं दर अहले बैत का भिखारी हूं, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरी औकात ये क्या कि मैं अहले बैत के पूरे फजाइल बयान कर सकूं? मुझे जो मिलता है भिखारी को वो आपके सामने आज कर देता है। बस और भी वही किसे हैं, आज सात मुहर्रम गुजर रहा है, हम सहरा के लाल को जब से मुहर्रम का चांद निकला है पुरसा दे रहे हैं, लेकिन अभी तक हम अच्छी तरीके से सहरा के लाल को पुरसा ना दे पाए। अभी तक हमने पुरसा देने का हक अदा नहीं किया। तो कम से कम इतना तो रोए, इतना तो दहला के लाल पुरसा दे, और इस फर्श अदा के बाद उठने के बाद कम से कम अपने अंदर का दिली लाए, ताकि थोड़े बहुत सोचे ताकि वो खुश हो जाए कि हाँ मेरा हुसैन करबला में प्यासा है, कम से कम मुझे उसका कुछ थोड़ा और अजर मिल रहा है। लेकिन अगर हम उसके बावजूद भी सब उल्टे सीधे काम करें तो हमारी शहजादी और रोएगी। मेरा बारवा इमाम जब अपने शियों के गुनाह देखता है तो उनकी आंसू। आज हमने अपने मुआशरे में इतना बिगाड़ दिया है, हाजादारों का साथ मुहर्रम है ना, आज खेमों में पानी खत्म हो गया। मुझे पूरी शहादत नहीं पढ़नी है और ना ही कोई पूरी शहादत किसी के पढ़ सकता है सिवाय इमाम ज़माना के। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं पूरी पूरी शहादत मौला अब्बास की पढ़ सकूं। आज मौला अब्बास के मसाइल पढ़े जा रहे हैं, सबका एक मजलिस भी है, जनाब कासिम की शहादत से आज हमारे घर सूख है। मैं अपने मौला से आज करूंगा, क्या मौला मैंने सुना कि आप तीन मुहर्रम से प्यासे हैं, जरा मुझे इतना बताइए कि जब खेत में पानी मौजूद था तो आपने पानी क्यों नहीं पिया? तो एक मतलब मौला कहेंगे है नादान, मुझे नहीं मालूम कि अगर हम पानी पी लेते तो हमारे साथ बच्चे हमको क्या होगा। मादादारो आज खेमों में पानी खत्म हो चुका है, छबे आशूर इमाम हुसैन ने अपने अंसार और अकरबा से कहा कि देखो कल मेरे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, कल जितने भी मेरे साथ हैं इनमें से कोई बचने वाला नहीं है, कल सब शहीद कर दिए जाएंगे, जिसे जाना है चले जाओ। हाजर मुहतरम तारीख में लिखा है कि 1200 लोग इमाम का साथ छोड़कर चले गए। अब सुबह आशूर नमुदार हुई, मौला अब्बास
इमाम हुसैन के पास आते हैं और कहते हैं आका आका मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए। हादादारो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं भैया अब्बास मैं तुम्हें मरने की इजाजत तो नहीं दे सकता, बस इन बच्चों के लिए पानी की जमीन कर दीजिए। हादादारो इस रिवायत का रावी बयान करता है कि वाकए करबला के बाद मैं जन्नत बकी के मैदान से गुजरता था, मैंने एक बीवी के रोने की आवाज सुनी। बीवी रो रही थी, अरे मैंने अपने घोड़े को मोड़ा और जन्नत बकी के पास लेकर गया। जब मैंने उसकी और से आवाज सुनी तो वो बीवी कह रही थी, मैं अब्बा।